कुछ ऐसी रेसिपी बनाते हैं जो ट्रेडिशनल चाइनीज लेकिन स्वादिष्ट होंगी। बीन कर्ड, ये देखिए, ये बीन कर्ड, सोयाबीन को क्रश सोख करके क्रश करके उसका दूध बनाया जाता है और फिर उसके बाद बनता है ये बीन कर्ड। तो इससे एक डिश बनाएंगे। और प्याज, प्याज को काट लेते हैं और इसे हम, ये देखिए, इस तरह से ये कर लिया पील। अब इसको जरा पकाते हैं, गैस ऑन और इसके अंदर तेल, प्याज, शिमला मिर्च, पकाना नहीं है, बस इसे ग्लेज करना है हमें, ये देखिए। और अब इसे मैं निकाल लेता हूं। तेल इसके अंदर, ये काट लेता हूं मैं बीन कर्ड, एक दो तीन, और अब ये देखिए ये क्यूब तैयार। इसको इस तरह से डायगोनल रूप में काट लिया। और एक फटाफट मसाला तैयार करते हैं, क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें कुछ स्वाद देंगे और ये स्वाद जो है वो किस चीज का है, वो है थोड़ी सी सौंफ का, उसके साथ साथ दालचीनी, और इसमें डालेंगे सूखी ये अदरक, ये देखिए, और उसके साथ साथ इसमें डाल सकते हैं काली मिर्च, ये देखिए, या ये स्पेशल पेपर्स जो मैं चाइना से लेके आया, सेजवान पेपर, और उसके साथ साथ स्टार एनीस, ये देखिए फूल चक्री, ये भी ज्यादा नहीं डालेंगे हम, थोड़ी सी इसके अंदर, और तीखा चाहिए तो थोड़ी काली मिर्च, ये लीजिए और ये लीजिए, ये लीजिए, ये तैयार हो गया हमारा मसाला। तेल गरम है हमारे पास और इसके अंदर स्लाइस प्याज, उसके साथ साथ स्लाइस अदरक और हरी मिर्च, और अब बस प्यार से बीन कर्ड। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक, नमक के साथ साथ इसमें डालते हैं सोया सॉस, ये इसे थोड़ा सा मीठा भी करें, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चीनी, और ये हमारा स्पेशल मसाला। अब इसमें ये जो प्याज और पेपर्स हैं ये इसके अंदर, इसमें डालते हैं कॉर्न स्टार्च का पानी, और ये सब चीज़ों को टॉस करते हैं और उसके बाद इसे परोसे गर्मा गर्म। स्वाद कैसा है, वाह, सबसे पहले तो बहुत गर्म है, ऐसे टेस्ट ना करें, जब थोड़ा ठंडा हो जाए फिर टेस्ट करें, क्यों अपनी ज़बान जलाते हैं, मैं कर सकता हूँ आप ना करें।